चलिए भाई, सर तो स्टैटिक ओवरराइड नहीं होता। हाँ वो भी नहीं होता, स्टैटिक भी ओवरराइड नहीं होता है। चलिए देखिए, स्टैटिक मेथड की हाइडिंग होती है। देखिए ऊप्स के कंसेप्ट जो थे हमने खत्म कर लिए। ऊप्स के कंसेप्ट को खत्म करने के बाद जावा का जो सबसे पहला टॉपिक है उसका नाम है पैकेज। तो हम पैकेज पढ़ने वाले हैं, पैकेज। ठीक है, कहते हैं जावा के अंदर पैकेज जो है, ये पैकेज जो है जावा का सबसे पहला टॉपिक है। पैकेज की डेफिनेशन ये कही जाती है, पैकेज इज अ लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस इन जावा। जावा डिवाइड्स देयर क्लासेस एंड इंटरफेसेस इनटू अ लॉजिकल कंटेनर, और वो लॉजिकल कंटेनर कुछ और नहीं है, उसका नाम है पैकेज। तो पैकेज इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। जावा ने ये देखा कि कौन कौन सी क्लासेस सेम टाइप की हैं, जो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करती हैं। जैसे सी के अंदर हेडर फाइल होते हैं जो सेम टाइप के होते हैं, जैसे stdio.h, conio.h वगैरह वगैरह, ये है ना। तो सी के अंदर जो हेडर फाइल्स हैं ये अलग अलग, stdio.h, conio.h, तो उनमें या maths.h, उनमें क्या है, सेम टाइप की फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। हेडर फाइल क्या होते हैं, सेम टाइप की फंक्शन की डेफिनेशन संभाल के रखते हैं। जो सेम टाइप की फंक्शन सी के अंदर हैं वो एक हेडर फाइल में, जैसे मैथमेटिकल फंक्शन math.h में, स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन string.h में, और कंसोल इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शन stdio.h के अंदर। तो उसी तरह से जावा के अंदर सेम टाइप की फंक्शंस को जो सेम फंक्शनलिटी परफॉर्म करता है, जैसे GUI वाली क्लासेस AWT पैकेज में, इवेंट वाली इवेंट पैकेज में, है ना, स्विंग वाले स्विंग पैकेज के अंदर, कॉमनली यूज क्लासेस लैंग पैकेज के अंदर, एसक्यूएल वाली एसक्यूएल पैकेज के अंदर, जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज के अंदर, यूटिलिटी क्लासेस जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर। तो जिस तरह से सी के अंदर सेम टाइप की क्लास सेम टाइप की फंक्शंस को पैकेज के, सॉरी, हेडर फाइल के रूप में कैटेगराइज कर दी गई थी, उसी तरह से बिल्कुल सेम सिनेरियो में सेम कंसेप्ट के रूप में जावा के अंदर सेम टाइप की फंक्शनलिटी परफॉर्म करने वाले क्लासेस और इंटरफेसेस को एक लॉजिकल कैटेगरी में कैटेगराइज करके दे दिया गया, और वो लॉजिकल कैटेगरी कुछ और नहीं है, उसका नाम है पैकेज। तो पैकेज इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। पैकेज इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। आप ऐसा बोल सकते हो जावा ने अपनी सेम टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस को एक लॉजिकल कंटेनर में कैटेगराइज करके दे दिया, उस लॉजिकल कंटेनर का नाम है पैकेज। पैकेज जो कंसेप्ट है, कहते जावा में कोई क्लास बिना पैकेज के होता ही नहीं है। इवन आज तक जो अपनी क्लास आप बनाते आ रहे हो, जैसे आपने एक क्लास बनाया टेस्ट, इसको किसी पैकेज के अंदर नहीं रखा, तो जावा कहती है अगर कोई क्लास आपने बनाया किसी पैकेज के अंदर ही नहीं रखा है तो ये भी क्लास एक पैकेज के अंदर होती है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट पैकेज। डिफॉल्ट पैकेज का कोई नाम नहीं होता। और आप कई बार इक्लिप्स में काम करते हो तो वहाँ डिफॉल्ट लिखा आता है, अगर आपने देखा हो, अगर पैकेज नहीं बनाते तो डिफॉल्ट पैकेज वहाँ लिखा आता है इक्लिप्स में, किसी ने देखा है ये चीज? यस सर, नेटबीन पे भी आता है सर। यस सर, आता है। तो फिर जरूरत क्या पड़ी पैकेज की? जावा में हर क्लास पैकेज के अंदर बना के रख दी गई। कहा गया सेम टाइप की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने वाली क्लासेस को अलग पैकेज में, अलग टाइप की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने वाली क्लासेस को अलग पैकेज में। तो इसीलिए पैकेज, देखो पैकेज को बनाने का पर्पस क्या होता है, पैकेज को बनाने के पर्पस कई सारे होते हैं, पैकेज के एडवांटेजेस कई सारे होते हैं। देखो जैसे आप नेटबीन्स है, इक्लिप्स है, एंड्रॉइड स्टूडियो है, वहाँ सब जगह देखो आप पैकेज बने आते हैं, पैकेजेस बने आते हैं। पैकेजेस का मतलब होता है फोल्डर। और फोल्डर होल्डर जो हम क्यों बनाते हैं अपने सिस्टम में, फोल्डर हम क्यों बनाते हैं? अरे यार, सिस्टम के अंदर फोल्डर इसलिए बनाते हैं ताकि हम चीज़ों को कैटेगराइज करके रखते हैं। हमारे सिस्टम में सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव होता है। डी ड्राइव जो है इंटरटेनमेंट से भरा होता है, ई ड्राइव इंटरटेनमेंट से भरा होता है कई लोगों का। उसमें भी मूवीज फोल्डर होता है, वीडियोज फोल्डर होता है, व्हाट्सएप वाला वीडियोज होता है, ऐसे ऐसे मैंने देखा लोगों को रखा है। उसमें सलमान खान सिलेक्शन, शाहरुख खान सिलेक्शन, सलमान खान की न्यू मूवी, लेटेस्ट मूवी 2005 की मूवी, 2010 की मूवी, ऐसे रखा हुआ है लोगों ने ताकि ताकि वो जो पर्टिकुलर मूवी है जिस फोल्डर में रखा हुआ है उसको इजीली जंप करके सर्च करके उसे निकाल सके और उसको अपने सिस्टम से निकाल के उसे फर्दर। पूरा मूवी से भरा हुआ है, मूवी से भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। किसका? वीरेंद्र का सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये जो फोल्डर्स है ना, ये फोल्डर बनाने का फायदा क्या होता है, इन फोल्डरों को बनाने का फायदा ये होता है ताकि वीरेंद्र को सर्च ना करना पड़े, मतलब उनकी सर्चिंग जो है फास्ट हो जाए।
मतलब उतना टाइम ना लगे सर्च करने में लिंक, मतलब ताकि जैसे कोई भी चीज़ सर्च करना है, अभी सिस्टम में ही देखो हमने फोल्डर बना रखा है, मैंने भी फोल्डर बना रखा है कि कहीं कोई फोल्डर बना, मेरे मूवी फोल्डर तो होगा नहीं, मूवी देखने का टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन देखता तो हूँ मैं मूवी, ऐसा बात नहीं है, कभी कभी देख ही लेता हूँ। ठीक है, अब देखो कोर जावा वन का फोल्डर है, कोर जावा वन के अंदर देखिए कोर जावा वन फोल्डर है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर, एग्रीगेशन, एनएमओएस है ना, एरे वगैरह वगैरह, ये फोल्डर मैंने बना रखा है, एक्सेप्शन, इनिट, देख रहे हो। फायदा क्या है, फायदा ये है कि जिस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई चीज़ अगर देखनी होती है, जैसे नेस्टेड क्लास के रिलेटेड, नेटवर्किंग से रिलेटेड देखना है, तो मैंने इस पर क्लिक मारा और क्लिक करके उसके अंदर चला गया, कोई क्लास, कोई मेथड, कोई चीज़ इजीली सर्च कर ली उसी तरह से। तो अगर कोई चीज़ हम अगर एक पैकेज के थ्रू कैटेगराइज करके सिस्टम में रखते हैं, फोल्डर के थ्रू कैटेगराइज करके रखते हैं, तो उसको हमें सर्च करना आसान हो जाता है। वैसे ही जावा में कितनी क्लासेस होती हैं, जावा में इतनी क्लासेस होती हैं जितने हमारे सर में बाल होते हैं, हम गिन नहीं सकते हैं। तो जब हम गिन नहीं सकते, तो उतनी क्लासेस अगर हमारे पास हैं और जावा की हम कोई बनी बनाई क्लास यूज करना चाहते हैं, लेट से हम सिस्टम क्लास यूज कर रहे हैं, तो सिस्टम क्लास को जब आप यूज करते हो या स्ट्रिंग को यूज करते हो, तो इन क्लासेस की डेफिनेशन कहाँ पड़ी होती है, सारी क्लासेस की डेफिनेशन आरटी डॉट जार में पड़ी होती है, उनका सोर्स कोड src डॉट जिप में पड़ा होता है, सोर्स कोड हमें पढ़ने के लिए दिया गया, आरटी डॉट जार को जावा यूज करती है। तो आरटी डॉट जार के अंदर अगर सपोज करो लाखों हजारों क्लासेस एक साथ एक फोल्डर में बना के डाल देते, तो कंपाइलर जो कंपाइल टाइम पे कंपाइल करने जाता, लिंक करने जाता, उसको सर्च करने जाता, तो बताओ 1 लाख या 2 लाख क्लासेस के बीच में या हजारों लाखों करोड़ों क्लासेस के बीच में एक किसी क्लास को सर्च करने में कंपाइलर को टाइम नहीं लग जाता लिंक और सर्च करने में, दैट इज कॉल्ड लिंकिंग एंड सर्चिंग। तो वो लिंकिंग और सर्चिंग भी टाइम ना लगे और कम लगे, इसीलिए फोल्डर बना दिया गया, इसीलिए पैकेज बना दिए गए, पैकेज के अंदर क्लास बना के उसको रख दिया गया, और जावा डॉट लैंग पैकेज में अब कंपाइलर को पता है कि मुझे सिस्टम क्लास को लैंग पैकेज के अंदर जाके सर्च करके लाना है, वो काम आसान हो जाता है। इसीलिए हम इंपोर्ट वगैरह कर लेते हैं, इसीलिए जब स्कैनर को हम यूज़ करते हैं तो स्कैनर के आगे इंपोर्ट लगा देते हैं, कंपाइलर को पता है कि स्कैनर को यूटिल के अंदर जाके सर्च करके लाना है, दैट्स इट, और कहीं से नहीं लाना है। आपने कहा सिस्टम के केस में नहीं लगाते, क्योंकि सिस्टम जो है लैंग पैकेज के अंदर है और लैंग पैकेज बाई डिफॉल्ट इंपोर्टेड होता है, तो लैंग पैकेज, तो यानी कि कंपाइलर हमेशा लैंग को प्रेफरेंस देता होगा कि लैंग के अंदर कोई क्लास सर्च करता होगा, वहाँ नहीं मिला तो किसी यूटिल में जाएगा, AWT में जाएगा, जहाँ मर्जी वहाँ जाएगा। तो अगर क्लासेस को पैकेज के अंदर बना के रखोगे ना, तो उसको लिंक करना, उसे सर्च करना आसान हो जाता है, लिंकिंग एंड सर्चिंग ऑफ कंपाइलेशन बिकम फास्ट। इसीलिए तो सी में भी होता है यार, सी के अंदर भी सपोज करो कि सारे फंक्शन की डेफिनेशन एक ही हेडर फाइल में दे दी जाती और उस हेडर फाइल का नाम रख देते हाथी डॉट एच। अब हाथी डॉट एच के अंदर सारे हेडर फाइल, सारे फंक्शन की डेफिनेशन अगर डाल देते, तो भाई कहीं ना कहीं इसी फंक्शन की डेफिनेशन को पाने के लिए कंपाइलर को लिंकिंग और सर्चिंग में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर सपोज करो कोई क्लास है, सॉरी कोई फंक्शन है, और 1 लाख फंक्शन में किसी एक फंक्शन को सर्च करना है, तो उस केस में वो कंपाइलर 1 लाख जगह में जाके, जैसे अगर 1 लाख के बीच में एक आदमी को सर्च करना हो, तो बड़ा टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा भाई। अगर कहीं 10 लोगों के बीच में किसी एक आदमी को सर्च करना, बड़ा आसान है, ठीक है। अगर 1 लाख लोगों के बीच में 1 लोगों को सर्च करना है, तो बड़ा कठिन है। 10 लोगों के बीच में किसी एक को सर्च करना, बड़ा आसान है। 100 लोगों के बीच में सर्च करना है, तो भी थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है। तो वो लिंकिंग और सर्चिंग कंपाइलर की भी होती है, रियल वर्ल्ड में भी होती है, रियल वर्ल्ड में हमारे लिए भी SRC में अगर वो फोल्डर बना बना के न दिया जाए कि भाई ये इसका है, ये इसकी क्लास है, ये इसकी क्लास है, तो हमारे लिए भी वो टफ हो जाता। SRC में आप देखो जावा पैकेज है, जेवएक्स पैकेज है, लैंग पैकेज है, जेवएक्स जावा के अंदर AWT है, कोई अलग अलग पैकेजेस हैं, वो हमारे लिए भी दिए गए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पैकेज जो होती है, पैकेज के अंदर बाइट कोड होता है, सोर्स कोड नहीं होता, सोर्स कोड तो हमारे लिए होता है। तो उसी तरह से अगर सपोज करो म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो, देखो जी कौन म्यूट नहीं हुआ, सबको म्यूट कर दो, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि हमारे इक्लिप्स में ही हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, है ना, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और हमने क्या करी, बहुत सारी फाइलें बना दी, बहुत सारी क्लासेस बना दी, हजारों लाखों क्लासेस बना दी, और एक ही फोल्डर में बना के रख दिया, ठीक है, या 2-3 फोल्डर बना के रख दिया। तो यार अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ को आपको सर्च करना है, सपोज करो मुझे ना, मुझे मॉडल क्लास सर्च करना है, सपोज करो मुझे एक्टिविटी क्लास सर्च करनी है, सपोज करो मुझे फ्रेगमेंट सर्च करना है, तो आपको यार उन हजारों क्लासेस या लाखों क्लासेस के बीच में उस पर्टिकुलर क्लास या इंटरफेस को सर्च करना बड़ा टफ हो जाएगा। इसलिए हम फोल्डर बना देते हैं, एडप्टर्स, एक्टिविटीज, डाओ, बीन्स, मॉडल्स, सपोर्ट क्लासेस, यूटिलिटीज, इस तरह से फोल्डर बना देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ताकि उसको चीज़ों को सर्च करना जो है हमारे लिए क्या हो जाए, ईजी हो जाए। मैंने आपसे बोला था ना
बहुत पहले ही बताया था कि क्लासेस को, इंटरफेसेस को आप अपने अपने हिसाब से कैटेगराइज करके रख सकते हो ताकि चीज़ों को सर्च करना, लिंक करना आसान हो जाए, लिंकिंग और सर्च ही ईजी हो जाए। तो जिस तरह से सी के अंदर हेडर फाइल बनाया गया, अरे आप देखो ना घरों के अंदर, देखो सी के अंदर की बात क्या करो, घरों के अंदर हम अलमारियाँ यूज करते हैं, सपोज करो अलमारी यूज नहीं करते, एक घर में एक घर के अंदर बहुत सारे सामान को एक साथ फेंक देते, ठूस देते एक सारा सामान, ठीक है, अब किसी इंपॉर्टेंट सामान को आपको सर्च करना है वो कहाँ पर है आपको भी नहीं पता, एक ही कमरे में रजाई है, गद्दे हैं, बिस्तरे हैं, आपके बुक्स हैं, आपके कॉपीज हैं, वहीं खाना भी बन रहा है, ठीक है, अब वहीं पे धनिया मिर्ची भी रखी हुई है, आपको क्या पता चलेगा कि आपका बुक कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ किस गद्दे के नीचे दबा हुआ है या किस जूते के नीचे दबा हुआ है, ठीक है, तो वो नहीं पता चलेगा आपको। तो इसलिए हम चीज़ों को कैटेगराइज करके रखे हैं, हम अपने घर में भी कैटेगराइजेशन करते हैं, हम अलमारियाँ बना के रखते हैं, अलमारी के अलग अलग सेक्शन होता है, ये जूता चप्पल का सेक्शन है, ये तिजोरी का सेक्शन है, ये यहाँ पे मतलब ये कपड़े रखे जाएंगे यहाँ, मतलब अलग अलग सेक्शंस होते हैं, उन सेक्शंस को बनाने के क्या फ़ायदे हैं कि सर्चिंग बहुत आसान हो जाती है। मुझे पता है कि जो इंपॉर्टेंट फाइल जो है उसका एक अलग सेक्शन होता है, वहाँ पर अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंट फाइल रखी हुई उसे उठाऊंगा और वहीं से निकाल के लेके आ जाऊँगा, सर्चिंग फास्ट जाएगी, तो रियल वर्ल्ड में सर्चिंग फास्ट जाती है और कंपाइलर के लिए भी लिंक सर्चिंग फास्ट जाती है। सी यानी कि ये जो कंसेप्ट है पैकेज का, ये जावा में ही नहीं सी के अंदर भी होता था, सी के अंदर भी पैकेज होता था, पैकेज की जगह पे हेडर फाइल होता था और क्या, नाम बदल गया बस, सी में हेडर फाइल, जावा में पैकेज, डॉट इन में नेम स्पेस, एक ही बात है, और पाइथन में कुछ और होता होगा। पाइथन में क्या होता है पैकेज की जगह पे, कुछ होता है कोई पाइथन वाला होगा तो बता देगा, सेम है सर, सेम है, पैकेज ही होता है, तो बस ठीक है। तो वहाँ पे आपको नहीं बताया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पैकेज मतलब क्या, पैकेज इज अ लॉजिकल कैटेगराइजेशन, एक लॉजिकल कैटेगरी है हमारे लिए भी, अपने सिस्टम के लिए भी, सेम टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस का। तो पैकेज इज द लॉजिकल कैटेगराइजेशन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। पैकेज इज द कंटेनर जिसमें सेम टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस को कैटेगराइज करके रख दिया गया। पैकेज बनाने से फायदा, लिंकिंग एंड सर्चिंग ऑफ कंपाइलेशन बिकम फास्ट। पैकेज जब आपने पढ़ लिया तो पैकेज के बाद ही आपको मैं एक्सेस रूल पढ़ाऊंगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड प्राइवेट, ठीक है, तो आप पैकेज प्रोवाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेस रूल, ये भी एक पैकेज का फायदा है, पैकेज इंप्लीमेंटेशन देता है एक्सेस रूल का। पैकेज जो है प्रोजेक्ट को मेंटेन करना इजी बना देता है, इजी मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे सपोज करो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में, इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बना रहे हो, नेटबीज में प्रोजेक्ट बना रहे हो, पैकेज के माध्यम से बनाओगे, अलग अलग फोल्डर करके बनाओगे, तो उसको मेंटेन करना ईजी हो जाएगा, कोई तीसरा बंदा आपके प्रोजेक्ट को रीड करेगा तो उसको मेंटेन करना ईजी हो जाएगा कल को फ्यूचर में, तो ईजी मेंटेनेंस ऑफ द प्रोजेक्ट हो जाता है, प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई कर देता है, दैट्स इट, दे आर ऑल पैकेजेस। और जावा की सारी पैकेजेस जो होती हैं वो rt.jar में पड़ी होती हैं। पैकेज दो टाइप का होता है, यूजर डिफाइन पैकेज, प्री डिफाइन पैकेज, सारी प्री डिफाइन पैकेजेस जावा की rt.jar में अवेलेबल है, rt.jar में अवेलेबल है। rt.jar को तो मैं बचपन से दिखाते आ रहा हूँ, rt.jar को अनजार करिए और वहाँ पे आपको अपनी सारी क्लासेस की डेफिनेशन मिल जाएंगी, वहाँ पे पैकेजेस मिल जाएंगे। बट अगर देखा जाए तो हमारी src.zip जो है वो भी पैकेजेस के अंदर पड़ी हुई है, देखो ये जावा जावाएक्स है ना, तो बस इसी तरह की rt.jar भी मिलेंगी, आप अनजार करके देख लोगे ना, कई बार मैंने बताया है, ये दिखाऊं मैं अनजार करके rt.jar को, ये देखो जावा लैंग, इसमें इसमें क्या है, इसमें डॉट जावा फाइलें हैं, इसमें डॉट जावा फाइल है, ठीक है, RMI वाली क्लासेस, लैंग वाली क्लासेस, मैथ वाली क्लासेस, IO वाली क्लासेस, ठीक है, AWT वाली, एपलेट वाली, है ना, देख रहे हो आप, इसमें कौन सी क्लासेस हैं, इसमें मतलब जावा फाइल है, कहने मतलब ये है मेरा, ये जावा फाइलें हैं, यहाँ पे जावा फाइलें रखी हुई हैं, ठीक है, यहाँ जावा फाइल, जावा फाइल, जावा फाइल, देख रहे हो, लेकिन rt.jar को अगर अनजार करोगे, एक्सटेंड करोगे, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, बाइट कोड, दिखाऊं या देख लोगे आप लोग rt.jar को अनजार करके, बोलो, देख लेंगे, बाकी लोग भी बोलो, किसी को अगर दिक्कत हो तो मैं तुरंत बता दूंगा अभी, देख लेंगे, बिल्कुल सही बात है, तो बस देख लीजिएगा। अब प्री डिफाइन पैकेजेस का एक ओवरव्यू मैं दिखा देता हूँ, प्री डिफाइन पैकेज आप गूगल पे ऐसे टाइप करिए, प्री डिफाइन पैकेज, आपको पता चल जाएगा प्री डिफाइन पैकेजेस, प्री डिफाइन पैकेज इन जावा, प्री डिफाइन पैकेज, तो प्री डिफाइन पैकेजेस के बारे में अगर आपको देखना है, इमेजेस पे क्लिक करो, प्री डिफाइन पैकेजेस का एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये जावा है, ये आरटी है, rt.jar में ही पैकेजेस होती हैं, तो ये यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, कहीं पर देख लो, ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है, ये देखिए
ये देखिए सबसे ऊपर पैकेज है जावा नाम से, यूटिल क्या है सब पैकेज, लैंग क्या है सब पैकेज, आईडब्ल्यूटी क्या है सब पैकेज, उसके अंदर क्या होता है बाइट कोड, सिस्टम डॉट क्लास, स्टैटिक डॉट क्लास, बटन डॉट क्लास, ये सब कहाँ होती हैं, आरटी डॉट जार को। प्लीज अंजार करके मुझे बताइए गूगल, क्या आपने देखा कि नहीं देखा, जरूर देखिएगा। ठीक है ओके सर, बस हो गया। ये प्री डिफाइन पैकेजेस, सारे प्री डिफाइन क्लासेस प्री डिफाइन पैकेज के अंदर है, और प्री डिफाइन पैकेजेस क्लासेस क्या कंटेन करके रखती हैं, कुछ मेथड रख के रखती हैं। और पैकेज में कोई जरूरी है पैकेज में क्लास ही होती है, पैकेज में इंटरफेस भी होता है, बट होगा तो डॉट क्लास फाइल में ना, डॉट क्लास ही तो एक्सटेंशन होगा, चेक क्लास हो जाए इंटरफेस हो, और उसके अंदर होते हैं फर्दर सब पैकेजेस। तो जिस तरह से जावा की सारी क्लासेस बनी बनाई पैकेज में है, जावा कहता है कि हे जावा प्रोग्रामर कृपया जब भी आप अपना प्रोग्राम बनाएं आप भी अपना प्रोग्राम पैकेज के अंदर रखें। हमने कहा नहीं रखेंगे, तो कहता है नहीं रखेंगे मत रखिए, तो हर क्लास डिफॉल्ट पैकेज में होता ही होता है, और नहीं रखोगे तो समस्या वही होगी जो जो अभी मैंने बताया, लिंकिंग सर्चिंग फास्ट हो जाएगी, लिंकिंग सर्चिंग जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा सॉरी, और साथ ही साथ और डेवलपमेंट में तो सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका मैनेजर डांटता रहेगा हर क्लास पैकेज में बनाओ, और नोटपैड पे तो हम कब तक काम करेंगे, हम तो इक्लिप्स में आएंगे ना, इक्लिप्स में बनाना चाहिए, चीज़ों को कैटेगराइज करके रखना चाहिए, कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए, तो बस यही चीज़ है। तो ठीक है, लेकिन नोटपैड पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझा दूँ, ये पैकेज तक ही नोटपैड बताऊँगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा, नोटपैड के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यूज़र डिफाइन पैकेजेस और टू प्री डिफाइन पैकेज दो तरह के पैकेजेस होते हैं, जैसे यूज़र डिफाइन क्लास और प्री डिफाइन क्लासेस होते हैं, सारे यूज़र डिफाइन क्लासेस यूज़र डिफाइन पैकेज में होना चाहिए, प्री डिफाइन क्लास प्री डिफाइन पैकेज में पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो हम भी अपना यूज़र डिफाइन क्लास बनाएंगे, तो यूज़र डिफाइन क्लास यूज़र डिफाइन पैकेज के अंदर रखिए, राइट। तो अगर आप यूज़र डिफाइन पैकेज में रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अपनी क्लास में आज तक कभी भी पैकेज कीवर्ड नहीं लिखते आ रहे हैं, अब आप पैकेज कीवर्ड लिखिए, पहली बात पैकेज PACKAGE, पैकेज का नाम लिखिए, पैकेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड बताया हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं उसके डोमेन के रिवर्स ऑर्डर में लिखिए, जैसे आप एंड्रो जावा टेक फॉर यू पे काम कर रहे हैं तो कॉम डॉट एंड्रो जावा ऐसे लिखिए, ठीक है। तो कॉम एक पैकेज का नाम हो गया, एंड्रो जावा उसका सब पैकेज का नाम हो गया, उसके किसी किसी मॉड्यूल पे काम करने जा रहे हैं, सिक्योरिटी पे या लॉगिन पे या मॉडल पे, मॉडल वाली क्लास बना रहे तो मॉडल नाम दे दो, ठीक है। तो कॉम पैकेज एंड्रो जावा सब पैकेज और मॉडल उसकी सब पैकेज, अगर एक ही नाम देना है ओनली मॉडल तो मॉडल ही दे दो, अभी सब पैकेज मत बनाओ, आपकी इच्छा है, एक से ज़्यादा बनाना है एक से ज़्यादा बनाओ। तो देखिए सारी क्लासेस प्री डिफाइन क्लासेस प्री डिफाइन पैकेज के अंदर हैं, प्री डिफाइन पैकेजेस आर दोज पैकेज विच इज क्रिएटेड बाय लैंग्वेज, यूजर डिफाइन पैकेज आर दोज पैकेज विच इज क्रिएटेड बाय द यूजर। जब भी आप अपनी क्लास बनाएं, जब भी अपनी क्लास बनाएं तो उसको यूज़र डिफाइन पैकेज में रखें। तो यूज़र डिफाइन पैकेज को बनाने का दो स्टेप का प्रोसेस है, पहला स्टेप का प्रोसेस है कि जब भी आप अपनी क्लास बनाएं उसके सबसे ऊपर सबसे पहली वाली लाइन सबसे टॉप वाली लाइन पे पैकेज कीवर्ड लिखें, देन पैकेज का नाम लिख दें, पैकेज कीवर्ड लिखते पैकेज का नाम लिख दें, क्लास बना दें, उसके बाद इसको सेव कर दें, और क्या सेव कर दीजिए टेस्ट डॉट जावा से। उसके बाद क्या करिए, अगर आप इसको बना लेंगे और प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे और रन करेंगे, रन ही नहीं होगा, आपने कभी ऐसा देखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, क्योंकि पैकेज जब मैनुअली आप बनाते हो तो इसको बनाने का दो स्टेप का प्रोसेस होता है, क्रिएटिंग ए फिजिकल पैकेज और क्रिएटिंग ए लॉजिकल पैकेज। तो अगर आप पैकेज कीवर्ड लिख दोगे तो लॉजिकल पैकेज बन के आ जाएगा, प्रोग्राम इसीलिए नहीं रन होगा, तो इसके लिए फिजिकल पैकेज बनाना जरूरी पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो पैकेज एट ए, ठीक है। अब अगर मैं ये पैकेज वाला कीवर्ड हटा देता हूँ, प्रोग्राम को कंपाइल और रन करता हूँ तो हो जाएगा जावा सी टेस्ट डॉट जावा, कोड कंपाइल हो गया, जावा टेस्ट कोड रन हो गया। लेकिन अगर मैं इसे पैकेज कीवर्ड लगा के और कोड को कंपाइल करूँगा तो कंपाइल तो हो जाएगा बट रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैकेज बनाने का दो स्टेप का प्रोसेस है, क्रिएटिंग अ फिजिकल पैकेज एंड क्रिएटिंग अ लॉजिकल पैकेज। तो जब किसी क्लास के आगे पैकेज कीवर्ड लगा देते हो और उसके पैकेज का नाम दे देते हो तो ये लॉजिकल पैकेज बन के आ जाता है, जो कि आपको दिखता नहीं है, ये लॉजिकल पैकेज बन गया जो कि आपको दिखा नहीं, इस कोड में एक लॉजिकल पैकेज बन के आ जाता है जो कि आपको दिखता नहीं है, जो दिख नहीं रहा है बेसिकली, समझ रहे हो, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, लॉजिकल पैकेज बन के आ चुका है, मतलब एक डब्बा बन चुका है। इसके लिए फिजिकल पैकेज बनाना होता है, और फिजिकल पैकेज बनाने के लिए आपको एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसका सेम नेम पैकेज होना चाहिए, पैकेज के सेम नेम से उसी डायरेक्टरी में फोल्डर बना दीजिए, यानी कि मॉडल नाम से एक फोल्डर बना दिया। अब उसके बाद अपना बाइट कोड जो है इसी के अंदर डाल दीजिए, जो टेस्ट नाम की क्लास है उसका बाइट कोड जहाँ पे भी पड़ा होगा वो बाइट कोड इसके अंदर डाल दीजिए, ये टेस्ट नाम का बाइट कोड है मेरे ख्याल से, ये है बाइट कोड, तो इस टेस्ट नाम की जो बाइट कोड है इस पैकेज के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद
आप कोड को रन कर दीजिए, अब रन हो जाएगा, गया नहीं क्या बाइट कोड इसके अंदर, चला तो गया, क्या हो गया भाई, टेस्ट ही था ना, क्लास टेस्ट पैकेज मॉडल, सही तो था। अच्छा, अभी इसलिए नहीं चला क्योंकि रन करने के लिए हमें एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा जावा पैकेज का नाम मॉडल डॉट क्लास का, अभी चलेगा। तो बड़ा अजीब किसी का स्टेप है भाई कि पहले पैकेज कीवर्ड लिखो, पैकेज लॉजिकली बनेगा, फिर उसी नाम से फोल्डर बनाओ, बाइट कोड के अंदर डालो और फिर इस तरह से चलाओ। तो बताओ ये आसान तरीका है क्या पैकेज बनाने का? आसान तरीका है? नहीं सर। नो सर। आसान तरीका कौन सा है? इक्लिप्स में। हाँ जी, इक्लिप्स में नहीं है, यहाँ पे भी बन जाएगा, ऐसे एक ही लाइन में बन जाएगा, आपको लॉजिकल और फिजिकल पैकेज एक ही लाइन में बन जाएगा। जावा सी स्पेस हाइफन डी स्पेस डॉट अटैच डॉट जावा, ऐसे लिखोगे तो आपका फिजिकल लॉजिकल दोनों पैकेज एक साथ बन के आ जाएगा। देखिएगा, ये देखो, ये फोल्डर बन गया कि नहीं मॉडल नाम के यहाँ? मॉडल नाम का फोल्डर बन गया अपने आप, बाइट कोड के अंदर अपने आप पहुंच गया। तो ये अपने आप वाली तरीका सही है ना, बस इसे फॉलो करिए, पैकेज बनाइए बस। और एक हर क्लास पैकेज से बिलोंग करता है और एक क्लास दूसरे पैकेज से बिलोंग करता है, तो पैकेज इम्पोर्ट उम्पोर्ट करना पड़ता है, बस ये सारी कहानी होती है। ठीक है।